देखो जी, हमारी सिया खुल गई है। सुबह सुबह ही इसको परे बांध रखा था। देखिए तो दोनों घास खा रही है। देखो बिंदु क्या करती है, वृंदा क्या करती है, अपने पास ले लेती है सारा घास। ये देखो, और इधर महारानी खुल गई खुल गई है। बच्चा कहीं है, बड़ा बच्चा, मेरा बच्चा। आज शिव शिव आजा, शिव आजा, शिवला शिवला। तो शिव, अब इसको मैं बांधू कैसे? ये तो बहुत शरारती है भाई। एक मिनट में फोन लगा लेती हूँ ट्राईपॉड पे। हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और भगवान से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो ये देखिए, सिया हमारी खुल चुकी है। अब इसको बांधू कैसे मैं? इसका ये तो लेके आ गई हूँ यहाँ पे। ये देखो, मैंने खाना खाया। मैंने क्या आवाज़ हो रही है नीचे? मैं खाना खा रही थी, बाकी सब चले गए हैं जहाँ जहाँ पे सबको जाना है। अभी मैंने इसको ना अंदर बंद कर रखा है, ये बाहर ना हड़दंग मचाएगी। मैंने गेट यहाँ पे बंद कर रखा है, ये देखो देख रही है। और इधर जोजो और बिल्लू मेरे, ये देखो ये भी अपने मस्ती मार रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ आवाज़ सुनाई दी, मैंने कहा ये क्या कर रही है यहाँ पे। शिव, बाकी दोनों गाय उधर है हमारी राधा। मैंने इनको अभी नहलाना है, पानी गर्म कर लेती हूँ मैं। ये देखो बहुत गंदी हो रखी है, आज धूप तो अच्छी है। देखती हूँ खाना। शिव ने ये बांधनी पड़ती है। बस मैंने इसको बांध दिया है, और थोड़ा सा गर्म पानी करके मैंने कहा इनको नहला देती हूँ। ये तो गंदी होती भी नहीं है, सिया नहीं होती हमारी बिल्कुल भी गंदी। इसको समझ नहीं आता कि ये माँ बनने वाली है, और ऐसे हुड़दंगनी मचाते, इसको समझ नहीं आता। ये गंदा बच्चू है, ये गंदा बच्चू, इसको समझ नहीं आता कि इसको ऐसे उठकना इस परिस्थिति में, प्रेगनेंसी में ठीक नहीं है। लेकिन बच्चा है ना, इसको नहीं पता। और तो चलो अभी ऊपर पानी गर्म करते हैं, फिर इनको नहलाते हैं, है ना। अभी मैं गायों को नहला के आई। देखो मेरी प्यारी सी नसानी, जो मेरे को राजन भाई ने दी थी मोगा से, वो टूट चुकी है। मेरे हाथ से कप गिर गया। बहुत ही प्यारे कप है ये, बहुत ही प्यारे बोलते हैं जिनको, है नहीं थे, दो टूट गए, अब दो ही बचे। हम ना चारों जने इनमें दूध पीते थे, इनमें चाय पीते थे, क्योंकि हाथ गर्म नहीं होते थे ना इतने मोटे मोटे। मेरे को बहुत दुख हुआ सच्ची में। मैं ऐसी इंसान हूँ, छोटी सी चीज नहीं ना मेरे से टूट जाएगा, मेरे को किसने दियो।
और दिल तो मैं क्या तोड़ूंगी किसी का मैं किसी के साथ हेरा फेरी तो क्या करूंगी। मैं ये कप टूटने पे मेरे को मेरी आंखों में पानी आ गया, मेरे को वो पल याद आ गया जिस टाइम भैया ने मुझे ये दिए थे मेरे बाल्टी में डाल। भाई एक तो ये हो गया, ये हुआ था तो उस टाइम का याद आ गया मेरे को कि तो सोचो मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती ना तोड़ सकती। तो वो देखो हमारी गाय वहां पे, अभी मैंने ना आज एक ही गाय को नहलाया, राधा को ही, क्योंकि राधा हमारी जा रही है, कहाँ जा रही है वो आपको बता दूंगी बाद में। तो मैंने इसको ही नहलाया आज, फिर क्योंकि पता है पिछली बार भी हमारी जो वृंदा है ना वो बीमार हो गई थी, और मैं इतना सारा धुआं लगा के रखती हूँ उनके लिए ताकि ये बीमार ना हो, इनको कुछ हो ना। तो राधा को नहलाया मैंने, क्योंकि होता ही है ना गंदा सा पशु बुरा लगता है। और बस देखो कितने सारे रिंगल वगैरह है, ये जो रिंगल होते हैं ना छोटे वो काटते हैं, जो ये फूल नहीं है मीठा होता है इनका रस, इनको चूसने आते हैं यहाँ पे इस रस को। तो अभी वृंदा देखो गंदी है, वृंदा को मैं बाद में नहलाऊंगी। और ये देखो 12 बज चुके हैं, अब कहीं जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, मैं सुबह से लगी हूँ, घास लेके आई, फिर मैंने खाना बनाया, उसके बाद मैंने बाथरूम अपना इतना साफ किया ना, भाई सच्ची बोल रही हूँ ना, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, बोलेंगे और मुझे पता है सबके घरों के हाल ये कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, ठीक है। मेरे मतलब मेरे तीन जो मेरे घर वाले ना, तीन बंदे, चौथी मैं हूँ, मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ इसमें, लेकिन ये ना पता नहीं इनको क्या बीमारी है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी मेरे, बहुत अच्छे हस्बैंड भी मेरे, बहुत अच्छे हैं कसम से, ऐसा परिवार सबको दे भगवान। हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में रहते हैं, पर पता है क्या है, इनको एक बीमारी है, ये ना मतलब हनी है मेरा, थोड़ा बहुत सफाई कर लेता है, पहले बहुत कर लेता था, अब भी इसको कुछ हुआ है, ठीक है। जब से ये फोन वगैरह इनके हाथ में आ गए ना, तो जो बाथरूम की ये हालत करके रखते हैं ना, ये कुछ नहीं करते, नहाते हैं अपने टॉयलेट वगैरह जो भी, लेकिन उसके बाद की जो सफाई है वो ये बिल्कुल कभी नहीं छूते। और मेरे को इतनी घिन, इतना गंदा लगता था ना, अब मेरे नीचे वाला रह गया, जो नीचे वाला, मैं तो नीचे जाती हूँ वैसे भी, अंदर मैं नहीं बैठती क्योंकि मेरे को गंदी आदत है कि जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा गंद दिखता है मैं वहां पे नहीं बैठ सकती, सच्ची बोल रही, मैं यूज नहीं कर सकती उस चीज को। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके, और अभी मैं आपको सूट भी दिखाऊंगी। तो अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आपको, यहाँ बैठी तो आप लोगों से बातें करने का बड़ा मजा आता है, और यहाँ से ब्लॉगिंग करने का, कैमरा ऑन करने का, क्योंकि यहाँ मेरे को कोई सुनता तो है नहीं, आप होते हैं मैं होती हूँ, और ये प्यारा सा हमारे एक वातावरण होता है, प्यारा सा आसपास का व्यू होता है। तो राधा की बात हो गई है, और अनुज जी लेके जा रहा है जो कि है हमारे ऊपर शिमला से आगे का, अभी मैं नाम नहीं यहाँ पे करूँगी मेंशन आपको, तो मैं जब जाऊँगी तभी आपको मिलाऊंगी भी। और अनुज और मेरी बात हुई थी, 1 साल हुआ था मेरे को जब तब वीडियो डालते हुए, और 3 साल मेरे चैनल को पूरे हो चुके हैं। तो उस टाइम अनुज ने मेरे को कमेंट किया था, बहुत अच्छा लड़का है, उस टाइम उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसने बोला कि दीदी मेरे को ना बगीचे के लिए खाद चाहिए, ठीक है। मैं कैसे पकड़ूँ फोन, ट्राइपॉड अंदर है, 1 सेकंड। तो उसने बोला कि दीदी मेरे को बगीचे के लिए खाद चाहिए, तो मैंने बोला अनुज के खाद जो है पर ढोने को है दूर से, बोला दीदी कोई बंदे कर दो, मैंने कहा भाई मेरे यहाँ बंदे नहीं होते। और तब से हम थोड़ी थोड़ी बातें करते रहे ऐसे, मतलब वो मैंने उसको नंबर दिया, उसने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने उससे कॉन्टेक्ट किया। तो दीदी मेरी मम्मी, फिर मम्मी से बातें होती थी उसकी आंटी से, तो भी हमने आपको अपनी बेटी बना ली, मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ। और फिर मेरे को ही टाइम लगता था, मैं बात भी नहीं करती थी, मैं सच्ची बोलूँ मैं बहुत कम बात करती थी यूट्यूब में, जितने भी मेरे से जुड़े कर नहीं पाती थी। बता मेरा ये मानना होता ना कि अपना फ्रेंड सर्कल उतना बनाओ जितना हम निभा सकें, ठीक है। मैं कविता दीदी से ही बात करती थी और मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। तो अनुज कभी कभार 2 महीने बाद उसका फोन आ, दीदी आप मेरे को याद नहीं करते, ऐसे बढ़ती गई उनकी तरफ से, दोनों माँ बेटे की तरफ से मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट और मेरे लिए बहुत एक अपनापन और एक रिश्ता बना लिया था उन्होंने, ठीक है। मैं क्लियर कर दूँ कि इतने दूर कैसे जान पहचान हुई। तो उसके बाद जो है फिर अनुज ने, वैसे तो कभी कभार एक बार हमारी 3-4 महीने बाद बात हुई, फिर उसकी शादी हुई लॉकडाउन में, मतलब हमारी एक सच्चा रिश्ता है ना, कहते वो कभी नहीं टूटता, वो टूट के भी दोबारा जुड़ जाता है, उसमें गांठ भी नहीं पड़ती, लेकिन एक बात है कि वो रिश्ता दिल से होना चाहिए, वो रिश्ता दिमाग से नहीं होना चाहिए, फिर दिल से जो रिश्ते बनते हैं वो कभी नहीं टूटते, टूट के फिर से जुड़ जाते हैं। बस फिर अनुज ने एक दिन, मैंने वैसे हम बातचीत थोड़े दिन पहले भी करी थी हमने, और फिर मैंने एक दिन अपनी राधा को डाला पशु ऐप पे, अब मेरे को क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको नहीं बता सकती, यहाँ पे मैंने बताई भी नहीं है।
नीरजा दीदी को पता है, बाकी मेरे अपने जो दो चार जिनसे मैं बातें करती हूँ उनको पता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने पशु ऐप पे डाली अपनी राधा, मैंने कहा किसने लेनी, और अनुज ने फटाफट से जो है वो भी है पशु ऐप पे, तो उसने मेरे से बात करी कि दीदी गाय तो मेरे को चाहिए, उसकी घरवाली का नाम है अनु, उसका अनुज है, उसकी घरवाली का नाम अनु अनु है, तो अनु से भी बातें करती हूँ मैं। बोले दीदी क्या बोलते हैं आप गाय दे रहे हो, आपने पहले नहीं बोला पशु ऐप पे डाल रखी, आपने मुझे पूछना था। मैंने भाई मेरे को क्या पता तूने लेनी, भाई नहीं तो फिर डिलीवरी होनी है अनु की, तो मैं सोचता हूँ कि बच्चा होगा तो गाय चाहिए। मैंने बोला पीछे जैसे बोला था उसने, तो मेरे को दूध के लिए तब मैंने देनी थी, मैंने पशु ऐप पे डाल रखी थी। मैं कभी कभी सिया को भी डाला था एक बार, और एक बार मैंने गौरा को भी डाला, देनी मैंने होती दिया से डाल के देती। तो बोले दीदी चलो ठीक है फिर दे देनी आपने, मैंने अब तो मैंने सच्ची दे देनी ठीक है। 15-20 दिन के बाद जब बात हुई, जब बहुत तकलीफ होती है तो मेरे को तो ऐसा लगता है मैं सारी दे दूँ, मैं कुछ भी नहीं रखूँ। बोले ठीक है, और मैंने बोला चलो ठीक है। बोले दीदी फिर क्या हुआ कि उसके हो गई बेबी हो गया और 16 में हुआ। बोले दीदी जब मैं घर जाऊंगा तब लेके जाऊंगा मैं, मैंने फिर मैंने पशु ऐप से हटा दी। उसने बोला भी हटा दो दीदी, मैं लेके जाऊंगा पक्का, आपके ऊपर मुझे भरोसा है, आजकल गाय में बहुत बीमारी चल रही है, मुझे दूध घी चाहिए बच्चे के लिए, तो फिर मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता, कहीं नहीं प्लीज मेरे को दे दो। मैंने कहा ठीक है और तू ले जाना। फिर उनके पापा को हो गया एक्सीडेंट जो है, फिर वो फिर बात फिर वो चली गई, हो गई डिले। तो फिर कल उसने फिर शाम को फोन किया, बोले दीदी आपका नंबर नहीं लग रहा था, मैंने गाय के लिए करना। मैंने बोला अनुज तूने मेरे को भी ऐसे ही सूखने डाल दिया, मतलब सूखने डालने का मतलब होता है हमारे कि तूने मेरे को औरों को बेचने से भी खो दिया ठीक है। मुझे गाय देनी थी और अब तूने हाँ करी, मैंने पशु ऐप से भी हटा दी, तो मेरे बहुत तकलीफ है यहाँ पे, मेरी दिक्कत है। बोले दीदी मैं इसलिए फोन कर रहा था कि मुझे गाय चाहिए। मैंने कहा वाह ठीक है। तो बोले दीदी कितने में कैसे, मैंने कहा कीमत तू छोड़, तेरे लिए कोई कीमत नहीं है, जब तुम लोग मेरे को इतना मानते हो, इतना दिल से मानते हो, मतलब ये भी नहीं दीदी हम लड़कियों से फ्री नहीं लेते, तो हुई जी कीमत कुमत ठीक है। ऐसे भी मैं देखो तो आप हमारी बहन है और दिल से हमने बहन माना है, तो हम लड़की कन्याओं से जो फ्री नहीं लेते। बड़ा अच्छा विचार उस लड़के के, जाके मिलाऊंगी आप लोगों को, बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर बोला दीदी गाड़ी कर दो आप, अब उसको गाड़ी भी वहाँ को 5,000 किराया लगेगा, फिर उसको मैंने कम में रखा। तो ये स्टोरी थी हमारे, कैसे हम मिले, कैसे राधा की ये बातचीत हुई ठीक है। तो इसलिए अब कल हम जा रहे हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को, सुबह तो मैंने नहीं बताया था। चलो मैं आप लोगों को अपना बाथरूम में दिखाती हूँ जो मैंने साफ करा है, और मैं अपना सूट दिखाती हूँ आप लोगों को ठीक है। टंटना ये देखो आज मैंने इसको एक छोटा सा ब्रश था, और इसको इनको भी यहाँ पे डेकोरेट किया ढंग से रखा, ये मेरे घर वाले कसम से इतना गंद था ना यहाँ पे, मेरा मतलब ये शैम्पू यहाँ पे बस मेरा मन बिल्कुल नहीं करता कि मैं इसको बाथरूम को यूज भी करूं। और इसका ऐसा हालात है ना इसके वॉश बेसिन के, मैं बोलती तुम्हारे हाथों को आग लगी, टूटे हुए हैं जो तुम ये नहीं कर सकते भी पड़ती है मैं से, मेरे को गुस्सा आता है कि मतलब मोटा मोटा काम करना बस। और मैं आप लोगों को एक सूट दिखाती हूँ जो कि मैंने लिया है, तो मैं दिखाऊँ कैसे, वो ट्राईपोर्ट तो मेरा बाहर रह गया, अरे रुको अभी किचन का दरवाजा यहाँ से बंद है, जब ये यहाँ से बंद हो जाता है तो फिर परे से जाना पड़ता है, परली साइड से। सभी लोग बोल रहे हैं होम टूर नहीं दे रहे हो, होम टूर नहीं दे रहे हो, ये पता मैं ऐसे ही उलझी हुई हूँ, मैं उलझी आत्मा हूँ, उलझी आत्मा। तो चलो मैं अब 10 सूट दिखाऊंगी, फिर मैं वीडियो का ऐड करूंगी यहाँ पे, किसने भेजा किसने दिया, मैंने खुद लिया और अपनी पसंद अपनी ही हो। तो बस अभी मैं आपको सूट दिखाऊंगी, और तो मैं ऐसे बकती हूँ अपने घर वालों को कि तुम्हारे हाथों को क्या टूटे हुए जो तुम्हें नहीं छू सकते। और बहुत से घरों की ये प्रॉब्लम है, डांटा करो उनको, बहुत से घरों की ये प्रॉब्लम है कि जो जेंट्स लोग हैं बच्चे वो बिल्कुल नहीं छूते। हाँ भाई औरतें घर में खाना बना के ही करेगी, अरे भाई हमारे को भी तो तकलीफ होती है। और ये मेरा फेवरेट स्वेटर है, मैं बता दूं आपको, घर पहनने का ये हल्का सा है, और एक मेरे को किरण दीदी ने दिया था, वो मेरे को बिल्कुल नहीं चुभता था, तो उसको मैं पहनती थी घर में, वो बहुत अच्छा था, फिर वो फट गया, काफी दिन चला, 2 साल चला। अब मैं आपको दिखाऊंगी सूट, मैंने खुद लिया है अपनी पसंद का अपनी मर्जी का, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मतलब अपनी अपनी पसंद का दिखा लेती हूँ। ये देखो चंगे चाहे माड़े जिस भी हालात विच रखी,
मेनू मेरे मालिक औकात विच रखी। मेरे बच्चे बोलते मम्मी मत गाया करो, बहुत गंदा गाते हो। मैं बोलती हूँ मैं गाती हूँ अपनी खुशी के लिए, मेरे को नहीं है स्यापा मैं गंदा गाती हूँ कि मैं अच्छा गाती हूँ। ये देखो ये कलर नहीं था मेरे पास, है ना, ये वाला कलर नहीं था। और नजदीक से दिखाऊं मैं थोड़ा सा और, हाँ ये ऐसी मेरे ख्याल में ना ये पश्मीना का है, शायद ये पश्मीना का है। और बहुत ही प्यारा सा इसका लुक है, ये इसका गला है। और फिर थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं आपको इसकी पल्ले की कढ़ाई। ये देखो किस किस के पास ऐसा सूट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो ठीक है, ये देखो ये इसकी कढ़ाई है। और इसके पोंचो ऐसा मुझे लगता है कि ये जो ना ये पोंचे हैं शायद नीचे पोंचो में भी आएगी, ये मूरी में भी आएगी ये कढ़ाई। और जो सबसे प्यारा मेरे को लगा वो है इसका दुपट्टा। दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल। ये मैंने दोहरा किया हुआ है इसको, ऐसे बहुत बड़ा है स्टॉल की तरह, स्टॉल है ये, दुपट्टा नहीं है सॉरी, स्टॉल है। पर बहुत प्यारी सी है ये, पता है उसमें होता है मेरे पास कितने सूट हो गए, दो हो गए ऐसे। मैंने इनको छोड़ने जाना था आज, फिर मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो ये देखो ये सूट ऐसा है, और इसमें जो लाल लाल है ये दुपट्टा पूरा उसके ऊपर है, और दुपट्टे में ये थोड़े थोड़े हैं, ये ऐसे नीले नीला कलर है जैसे। ये बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा, कैसा लगेगा मेरे को जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड भी करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी आपको स्टोरी मेरे और अनुज की, कैसे हम मिले भाई बहन। और ये देखो इस तरह से, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सूट कैसा लगा आपको, कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तकलीफें जितनी भी हैं आपको हंसते हुए मिलेंगे, मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और बस भगवान से तकलीफें वो माता रानी से के साथ शेयर करने के लिए है ना माता रानी, वो अपने आप सारा निवारण कर देगी। मैंने उसके ऊपर छोड़ रखा है, जो तू करेगी जो तू रास्ता दिखाएगी मेरे को मंजूर है, सर माथे पे है। ठीक है, हम कोई नहीं होते अपनी हुकूमत चलाने वाले। तो इसी के साथ जय माता दी, राम राम।